हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर में। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे ब्रिज एंड टनल में रेलवे के जो बचे हुए पार्ट्स हैं उनके बारे में। हमने रेलवे में लगभग 6-7 चैप्टर जो है वो कवर कर लिया। आज दो चैप्टर्स आप सभी के और बचे हुए हैं, एक स्टेशन और यार्ड, दूसरा मेंटेनेंस ऑफ रेलवे ट्रैक। ये दो चैप्टर्स बचे हुए हैं, इन दोनों चैप्टर्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि ये हमारा 2-in-1 सीरीज जो है रेलवे ब्रिज एंड टनल का चल रहा है, तो इसमें दो दो चैप्टर को हम कवर करते हुए चल रहे हैं। तो लास्ट के दो चैप्टर जो बचे हैं वो हमारा स्टेशन एंड यार्ड्स और मेंटेनेंस ऑफ रेलवे ट्रैक, ये तो चैप्टर्स बचे हुए हैं, आज इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चूंकि वीडियो लंबी होने वाली है इसलिए आप अंत तक बने रहिए हमारे साथ अगर आप सीखना चाहते हैं तो, और आप अपने एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं अच्छे से तो हमारे साथ बने रहिए अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट क्या है, रेलवे ब्रिज एंड टनल, ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। इसमें हम बात करेंगे किसके बारे में, स्टेशन यार्ड्स के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे स्टेशन और यार्ड्स क्या होते हैं। स्टेशन आप जानते होंगे, यार्ड में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम, नाम से पता चल रहा है स्टेशन, लेकिन स्टेशन कितने प्रकार के होते हैं ये भी कई प्रकार के होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। यार्ड्स क्या होते हैं, जैसे आपने सुना होगा मार्शलिंग यार्ड, गुड यार्ड्स, तो ये क्या होते हैं इनके बारे में भी आज हम बात करेंगे, एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं किसके बारे में, स्टेशन एंड यार्ड्स। ये हमारा आज का जो पहला टॉपिक आता है वो है क्या, स्टेशन एंड यार्ड्स। तो स्टेशन एंड यार्ड्स के बारे में अगर बात करते हैं, सबसे पहले स्टेशन की हम डेफिनेशन जान लेते हैं कि स्टेशन क्या होता है, ठीक है। स्टेशन क्या होता है बेसिकली, तो किसी रेल पथ पर वह किसी रेल पथ पर स्थित वह स्थान जहाँ रेलगाड़ियों में यात्री के चढ़ने उतरने या फिर हमारा क्या गाड़ी के रुकने की जगह होती है, गाड़ी को विश्राम करने की जो जगह होती है वो हमारा क्या स्टेशन कहलाता है, या फिर जहाँ से हमारा माल चढ़ाया जाता है, माल उतारा जाता है जहाँ पर, वो हमारा क्या स्टेशन कहलाता है, ठीक। आप स्टेशन अच्छे से जानते हो कि क्या, जहाँ पर हम लोगों को स्टेशन में बैठाते हैं, सॉरी गाड़ी में बैठाते हैं, रेलगाड़ी से उतारते हैं, मतलब कि जहाँ पे माल लोड होता है, जहाँ पे माल उतरता है, वो हमारे क्या बेसिकली कहलाता है, वो हमारा स्टेशन कहलाता है। अब बात करते हैं कि स्टेशन जो रेलवे स्टेशन होते हैं उसके क्या क्या पर्पज़ है, उनके बारे में बात करते हैं। जो रेलवे स्टेशन है उसके क्या क्या उद्देश्य होते हैं, रेलवे स्टेशन के अगर उद्देश्य के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लिख देते हैं कि इसकी स्टेशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी। किसी रेल पथ में, ठीक है, क्या किसी रेल पथ पर स्थित वह स्थान जहां पर यात्रियों के चढ़ने एवं उतरने की व्यवस्था होती है, क्या व्यवस्था होती है उसे क्या कहते हैं, उसे स्टेशन कहते हैं। ये क्या होगी हमारी स्टेशन की बात होगी, मतलब कि जहाँ पे यात्रियों के चढ़ने और उतरने की व्यवस्था होती है उसे क्या कहते हैं, उसे स्टेशन कहते हैं, ठीक है। तो अब स्टेशन हम क्यों बनाते हैं, क्या उद्देश्य होता है हमारा स्टेशन बनाने का, उसकी अगर बात करते हैं तो जो हम स्टेशन बनाते हैं रेलगाड़ियों, मतलब कि बोगे निकालने अथवा जोड़ने के, जैसे क्या हुआ कि हमको कहीं से मान लेते हैं यहाँ से यात्रा करना है, जहाँ पे आप हैं आपके घर से यात्रा कहीं आपको दूर जाना है, तो रेल आपको जाना है रेलगाड़ी को आएगी, रेलगाड़ी कहीं से आएगी तो वहाँ पर बोगियाँ चेंज होगी, आप देखते होंगे कि इंजन चेंज होते हैं, ठीक। ये सब चेंज करने के लिए क्या करते हैं, हम स्टेशन बनाते हैं, और यात्रियों के चढ़ने उतरने के लिए, यात्रियों पर माल लोड करने के लिए, संचालन को कंट्रोल करने के लिए, और फिर टिकट लेने के लिए, ठीक, इन सब के लिए क्या करते हैं, हम स्टेशन को बनाते हैं। अब पर्पज़ के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं, देख लेते हैं क्या होता है पर्पज़ ऑफ
पर्पज ऑफ स्टेशन या फिर रेलवे स्टेशन बोल सकते हैं, ठीक है। पर्पज ऑफ स्टेशन, सबसे पहला क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी के बोगियों को निकालने अथवा जोड़ने के लिए, रेलगाड़ी के बोगियों को निकालने अथवा जोड़ने के लिए। नेक्स्ट जो हमारा सेकंड इसमें आ जाएगा, पहला क्या होगा, रेलगाड़ियों की के बोगियों को निकालने अथवा जोड़ने के लिए। नेक्स्ट क्या आ जाता है, यात्रियों को रेलगाड़ी से चढ़ने या उतरने के लिए, यात्रियों को रेलगाड़ी में चढ़ने एवं उतरने के लिए, मतलब कि सुविधा हो जाती है, स्टेशन बनाओ तो सुविधा हो जाती है, ठीक है, यात्रियों के लिए उतरने के लिए। अगर इसी में थर्ड पॉइंट की बात करते हैं तो थर्ड पॉइंट क्या हमारा आ जाता है कि रेलगाड़ियों के संचालन को नियंत्रित करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया संचालन को नियंत्रित करने के लिए। इसी तरह फोर्थ पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, इसमें फोर्थ पॉइंट हमारा आ जाएगा सामानों को चढ़ाने एवं उतारने के लिए। फिफ्थ पॉइंट इसी में क्या हो जाएगा हमारा कि आमने सामने की ट्रेन को सुरक्षित ढंग से पार कराने के, जब हमारा संचार में नियंत्रित होगी तभी तो वो क्या होगी, सुरक्षित ढंग से पार हो पाएगी। जैसे कोई ट्रेन एक इस तरफ से आ रही है, इस तरफ से आ रही है, तो दोनों लड़ ना जाए, इसलिए संचालन के लिए उसको नियंत्रित करने के लिए क्या करते हैं हम, एक मिनट टाइप की थोड़ा सा लाइट ज़्यादा हो रही होगी। आपके अब विजुअल होगा अच्छे से, ठीक। तो क्या हम बता रहे थे कि रेलगाड़ियों के इंजनों में डीजल भरने के लिए, मतलब सुरक्षित ढंग से पार करने के लिए, आमने सामने से आ रहे रेलगाड़ियों को सुरक्षित ढंग से पार कराने के लिए। नेक्स्ट हमारा इंजनों को बदलने के लिए, ठीक है। ये कुछ छह पॉइंट्स आ गए, बोर्ड पे जगह नहीं तो और लिखते, जैसे इसमें और क्या हमारा आ जाएगा कि विभिन्न दिशाओं से आने वाली रेलगाड़ियों के क्रॉसिंग के लिए, रेलगाड़ियों में पानी भरने के लिए, और हमारा इसी तरह से हो जाएगा रेलगाड़ियों के इंजन की दिशा परिवर्तन करने के लिए अथवा बदलने के लिए, रेलगाड़ियों तथा इंजनों के अनुरक्षण मतलब मेंटेनेंस के लिए, अगर कोई रेलगाड़ी इंजन में जो इंजन है रेलगाड़ी का उसमें अगर कोई खराबी आ जाती तो स्टेशन पे क्या करेंगे, उसको हम चेंज करते हैं, ठीक है, उसको जो मेंटेनेंस है उसको करते हैं। ये कुछ पर्पज होते हैं किसके, हमारे रेल जो रेलवे स्टेशन होते हैं उसके पर्पज होते हैं ये, ठीक है। जो नेक्स्ट पॉइंट इसमें आ जाता है, अब हम बात करते हैं क्या, ये तो हमने पढ़ा कि स्टेशन क्या होता है, रेलवे स्टेशन क्या होता है, रेलवे स्टेशन के क्या क्या हमारे पर्पज होते हैं, क्या उद्देश्य होते हैं रेलवे स्टेशन के, ये हो गए हमारे। अब हम बात करते हैं कि अगर रेलवे स्टेशन हमको बनाना है उसके लिए साइट सिलेक्शन कैसे करते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, फिर हम वहाँ पर रेलवे स्टेशन का निर्माण करते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। आपकी इसके पहले के जितने भी लेक्चर्स होंगे आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। बात करते हैं कि नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर रेलवे स्टेशन, सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर रेलवे स्टेशन, रेलवे मतलब कि क्या, रेलवे स्टेशन के लिए स्थल चयन करना,
ठीक है, रेलवे स्टेशन के लिए स्थल का चयन करना कैसे करेंगे उसकी बात करते हैं। क्या किन किन बातों का ध्यान देंगे कि जो रेलवे स्टेशन है वो प्रमुख शहर, नगर और बड़े गाँव से होते हुए गुजरना चाहिए, और क्या होना चाहिए कि भूमितल समतल हो, वो बाढ़ वाली भूमि ना हो। फिर इसी तरह से स्टेशन ऐसे जगह होना चाहिए जहाँ जल निकासी की उत्तम व्यवस्था, ऐसा नहीं हो कि अगर बारिश हो गई तो वहाँ पानी भरा रह जाए, वहाँ पे जल निकासी की उत्तम व्यवस्था, मतलब कि जो ड्रेनेज सिस्टम वो बहुत बढ़िया होना चाहिए। फिर इसी तरह से आवश्यकता अनुसार प्लेटफॉर्म, यार्ड और जो भी स्टेशन है बनाने के लिए, सॉरी स्टेशन की बात ही हम करें तो वहाँ पर प्लेटफॉर्म हो गए, यार्ड्स हो गए, इन सबको गोदामों के लिए जो जगह होनी चाहिए, पर्याप्त जगह होनी चाहिए। फिर सभी प्रकार की जरूरी सुविधाएं, बिजली पानी की व्यवस्था होनी चाहिए वहाँ के आसपास, तो वहाँ पे क्या करते हैं हम रेलवे स्टेशन बनाते हैं। अगर ये व्यवस्थाएं ये चीज़ें नहीं वहाँ पे मिलती हैं तो वहाँ पे हम रेलवे स्टेशन नहीं बनाते हैं, ठीक है। या फिर वहाँ पे पहले इन चीज़ों की व्यवस्था करते हैं फिर रेलवे स्टेशन बनाते हैं, ठीक है। तो क्यों अगर जगह व्यवस्था ऐसी नहीं वहाँ पे तो वहाँ पे व्यवस्था करेंगे या फिर वहाँ पे रेलवे स्टेशन नहीं बनाएंगे। तो ये हमारे क्या होते हैं सिलेक्शन के लिए कुछ स्टेप्स हैं, तो उनको भी हम नोट डाउन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं कि कौन कौन से रेलवे स्टेशन प्रमुख नगर, शहर, गांव के पास होना चाहिए। क्या पास होना चाहिए, मतलब कि उनसे पास होके गुजरना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यात्री क्या पलायन कर सके एक जगह से दूसरे जगह, ठीक है। ये पहले हो गए। सेकंड पॉइंट क्या जाता है, सेकंड पॉइंट इसमें जो आता है वो आता है कि रेलवे स्टेशन के लिए जो होता है भूमि समतल तथा बाढ़ से मुक्त होना चाहिए, भूमि समतल तथा बाढ़ मुक्त होनी चाहिए, बाढ़ मुक्त होनी चाहिए। फिर थर्ड पॉइंट क्या जाता है, तब तक क्या होगी बाढ़ मुक्त होनी चाहिए। जब बाढ़ मुक्त होनी चाहिए तो वहाँ पे क्या होता है ऐसी जगह बाढ़ मुक्त तो मान लेते कर देते हैं उसको, लेकिन वहाँ पे अगर बारिश हो गई तो पानी की व्यवस्था, पानी को निकालने की व्यवस्था होनी चाहिए, मतलब कि ड्रेनेज सिस्टम उत्तम होना चाहिए, मतलब कि जल निकासी व्यवस्था उत्तम होनी चाहिए। जल निकासी व्यवस्था हो गई, जब जल निकासी की व्यवस्था भी हमने वहाँ पे कर लिया, अब क्या करेंगे वहाँ पे आवश्यकता अनुसार प्लेटफॉर्म, यार्ड, गोदामों के लिए पर्याप्त जगह होना चाहिए, ठीक है। प्लेटफॉर्म यार्ड और एवं गोदामों के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए, ठीक है। फिर इसी में अगर फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं तो फिफ्थ पॉइंट क्या हमारा आ जाता है कि प्रमुख जो नगरीय सड़क है, मतलब कि जो एक नगर से दूसरे नगर को जोड़ते हैं, वो हमारे उनके पास से होकर गुजरना चाहिए, जिससे दूसरे नगर के भी लोग आसानी से आ जा सके, ठीक है। यात्रियों को पहुंचने की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए, यात्रियों के पहुंचने की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। यात्रियों के लिए वहाँ पहुँचने की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए, उत्तम मतलब कि रास्ते होने चाहिए प्लेटफॉर्म तक पहुँचने के, स्टेशन तक पहुँचने के लिए, जो मेन रोड से प्लेटफॉर्म तक आने के लिए एक अच्छा मार्ग बनाना चाहिए जिससे वो सुविधाजनक आ सके वहाँ तक, ठीक है। फिर चालकों को स्टेशन के सिग्नल दूर से ही दिखाई दे, ठीक है। कोई मतलब कि स्टेशन कर्व पर रहना चाहिए, कोई ऐसे कर्व रहेगा तो क्या कर्व पे जानते हैं आपकी उतनी डिस्टेंस हमको नहीं मिल पाती, उतनी विजिबिलिटी नहीं मिल पाती हमको देखने के लिए, तो वहाँ पे उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए, मतलब कि जो स्टेशन कर्व पर नहीं होना चाहिए,
ठीक है। इसी में अगर सेवंथ पॉइंट की बात कर लेते हैं तो सेवंथ पॉइंट क्या आ जाता है, भविष्य में अगर हमको क्या करना है कि जो स्टेशन बना रहे हैं उसको और बड़ा प्लेटफॉर्म बनाना, और बड़ा स्टेशन बनाना है, तो वहाँ पे उतनी पर्याप्त जगह होनी चाहिए कि उसको और बड़ा बनाया जा सके। मतलब कि स्टेशन को बढ़ाने के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए, ठीक है। विस्तार के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए। अगर इसी में आठवें नंबर की बात करते हैं तो आठवां नंबर क्या हो सकता है कि बिजली, पानी, प्रसाधन कक्ष, प्रतीक्षा कक्ष आदि की व्यवस्था, बिजली, पानी, प्रसाधन कक्ष, प्रतीक्षालय आप जानते होंगे, वेटिंग हॉल, प्रतीक्षालय की व्यवस्था, अगर ये सारी चीज़ें मिलती हैं तो ये इन चीज़ों की व्यवस्था वहाँ पे होती तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं, वहाँ पे स्टेशन को आराम से बना सकते हैं। अगर ये चीज़ें नहीं वहाँ पे, या तो वहाँ पे इन चीज़ों की व्यवस्था करेंगे फिर स्टेशन बनाएंगे, या तो हम दूसरी जगह देखेंगे स्टेशन बनाने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ हो गए। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं, ठीक है, रेलवे स्टेशन पर क्या क्या आवश्यक सुविधाएं होनी चाहिए। अगर उनकी बात करते हैं तो क्या हो जाएंगी, यातायात संबंधी सुविधाएं, मतलब कि सिग्नल्स के माध्यम से रेलगाड़ी के संचालन के नियंत्रित करने की व्यवस्था होनी चाहिए। मतलब कि हमारा क्या यातायात से संबंधित आवश्यकता है, यात्रियों से संबंधित आवश्यकता है, टिकट आसानी से मिल सके, टिकट घर होना चाहिए, ठहरने की व्यवस्था होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। और फिर रेलगाड़ियों और इंजनों से संबंधित, मतलब कि रेलगाड़ियों को चेंज करने की जगह, इंजनों को बदलने की जगह, मेंटेनेंस करने की जगह, यार्ड्स, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, इन सब की आवश्यकता पड़ती है। फिर अन्य आवश्यकताएँ भी पड़ती हैं, जैसे इंजन की सफाई हो गई, ठीक है, पानी, ईंधन आदि की व्यवस्था, ये क्या होती है हमारे आवश्यकताओं में आ जाती हैं। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन, कौन कौन से प्रकार के, किस किस बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया गया है, इंजनों, स्टेशनों को, ठीक है। बात करते हैं किसकी, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेशंस की। अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेशंस की बात करते हैं तो इसको दो तरह से क्लासिफाई किया गया है, एक कार्यात्मक, मतलब कि फंक्शनल क्लासिफिकेशन, मतलब फंक्शन के बेसिस पे उसको वह किस प्रकार से कार्य करता है उसके बेसिस पे इसको एक क्लासिफाई किया गया। दूसरा ऑपरेशनल, ऑपरेशनल मतलब क्या, प्रचालन, ठीक है, उसको किस तरह से चलाया जाए उसके बेसिस पे डिवाइड किया गया, ठीक है। मतलब कि दो तरह से क्लासिफाई किया गया, पहला फंक्शनल क्लासिफिकेशन, सेकंड ऑपरेशनल क्लासिफिकेशन, ठीक है, दो तरह से इसको क्लासिफाई किया गया। अब इनके अंदर भी कई तरह से स्टेशनों को बांटा गया है, जैसे हमारे जो फंक्शनल स्टेशन हो गए, जो फंक्शनल क्लासिफिकेशन हो गए, इसमें हमारा क्या जाता है, वे साइड क्लासिफिकेशन आ जाता है, मतलब वे साइड स्टेशन आ गया, फिर जंक्शन आ गया, टर्मिनल स्टेशन आ गया, ये हमारे क्या टर्मिनल आपने सुना होगा कि यहाँ पे टर्मिनल बना हुआ है, जंक्शन है ये, जंक्शन और जो जंक्शन होता है वो, और जो स्टेशन होता है, ये दोनों में अंतर होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है, एक जंक्शन होता है, दोनों में बहुत अंतर होता है, अभी बात करते हैं उसके बारे में भी, ठीक है। स्टेशन और जो जंक्शन होते हैं दोनों में अंतर, तो जो अगर इसकी बात करते हैं फंक्शनल को, ठीक है, तो तीन तरह से इसको क्लासिफाई किया गया, वे साइड स्टेशन, जंक्शन स्टेशन और टर्मिनल स्टेशन, इसको तीन तरह से क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। अब अगर हम बात करते हैं वे साइड स्टेशन की, तो वे स्टेशन जहाँ पे क्या होता है, मालगाड़ियों को, या फिर मालगाड़ी हो या फिर कोई यात्री गाड़ी हो, चाहे जो हो,
क्रॉस करने की व्यवस्था जहाँ पे वे साइड, नाम से पता चला क्या, वे साइड स्टेशन, वे मतलब रास्ता, साइड मतलब देने के लिए, कहते हैं ना कि कुछ गाड़ियों में लिखा रहता है पीछे जब आप चलते हैं तो उसमें लिखा रहता है, तो वे साइड स्टेशन मतलब कि आपको रास्ता क्रॉस करने के लिए, एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए जहाँ पे जो स्टेशन बनाए जाते हैं उनको क्या वे साइड स्टेशन बोल देते हैं। जंक्शन स्टेशन क्या होता है, जंक्शन स्टेशन की अगर बात करते हैं तो जंक्शन स्टेशन क्या होता है, वे स्टेशन जहाँ विभिन्न दिशाओं से आने वाली रेल लाइनें मिलती हैं उसे जंक्शन कहते हैं। जंक्शन आप जानते हो जहाँ पे कई रेल लाइनों के लिए मतलब कई रेल लाइनें आके मिलती हैं। जैसे क्या हो गया, कैसे अगर बनाना चाहें तो वे साइड को अगर बनाना चाहें तो कैसे होगा, वे साइड को जैसे क्या होता है कि ये हमारी मेन लाइन जा रही है, ठीक है, ये हमारी मान लेते हैं कुछ मेन लाइन जा रही है, मेन लाइन से यहाँ क्या ये लूप हमारा बना होता है कुछ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से लूप बना होता हमारा, ठीक है, ये हमारा क्या लूप बना होता कुछ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से क्या हमारा बना होता है, यहाँ पे स्टेशन बिल्डिंग बने होते हैं मतलब जिसको प्लेटफॉर्म हम बोल सकते हैं, और यहाँ पे गुड सेड बने होते हैं, ठीक है, गुड सेड जहाँ से क्या हमारा सामान को उतारा या फिर चढ़ाया जाता है, यहाँ पे क्रॉस करने की व्यवस्था हमारी होती है, ठीक है, यहाँ पे हमारी क्या प्लेटफॉर्म यहाँ पे बना होता है, यहाँ पे जो क्रॉस करने की व्यवस्था दी जाती है यही क्या हमारा क्या कहलाता है, वे साइड स्टेशन कहलाता है। और अगर हम जंक्शन की बात करते हैं तो जंक्शन कैसा हो जाएगा, जंक्शन कैसा हो जाएगा उसकी बात कर लेते हैं, आ गया, अगर हम जंक्शन की बात करते हैं, जंक्शन आप जानते हैं कि मतलब कि कई रेल लाइनें, जैसे ये हमारी एक मेन लाइन आ रही थी और इधर से एक लाइन आके इधर आके ऐसे मिल गई, इधर से लाइन आके ऐसे मिल गई, इधर से आके ऐसे मिल गई, तो ये हमारे क्या जंक्शन स्टेशन कहलाते हैं। जंक्शन स्टेशन जैसे कई स्टेशन आके जब एक जगह पे मिलते हैं तो वो हमारे क्या जंक्शन स्टेशन कहलाते हैं। फिर अगर टर्मिनल की बात करते हैं, टर्मिनल स्टेशन क्या होता है, जो टर्मिनल होता है, स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, टर्मिनल स्टेशन जो होता है, ठीक है, तो टर्मिनल स्टेशन जहाँ पर वह स्टेशन जिसके आगे कोई ट्रेन नहीं चलती, जैसे क्या हुआ बना कहाँ कहाँ टर्मिनल, आपके दिल्ली में शायद टर्मिनल बना हुआ, टर्मिनल स्टेशन जो है वो दिल्ली में शायद बना हुआ है, आपको याद नहीं, अटल करके शायद अटल टर्मिनल भी कोई बना हुआ है, कहाँ पर हमें याद नहीं है, अटल टर्मिनल शायद कहीं पर, तो वो मतलब कि जैसे क्या हुआ ये टर्मिनल होता, इधर से हमारी रेल लाइन आई बस यहीं पर ख़त्म, इसके आगे वो रेल नहीं जाएगी, ये रेल लाइन आई यहीं पे ख़त्म, ये रेल लाइन आई यहीं पे ख़त्म, अब इसके आगे नहीं जाएगी, अब यहीं से क्या करेगी ये मुड़ेगी, अब यहीं से क्या करेगी ये मुड़ेगी फिर वापस जाएगी, ये इसके आगे ट्रेन के जाने की कोई व्यवस्था नहीं होती, तो वो हमारा क्या टर्मिनल स्टेशन कहलाता है। बात हो गई वे साइड स्टेशन की क्रॉसिंग कराने के लिए, जंक्शन स्टेशन की कई स्टेशन कई रेल लाइनें आके एक जगह मिलते तो वो हमारा जंक्शन स्टेशन कहलाता है। फिर टर्मिनल स्टेशन जहाँ पे रेल लाइनें जाके ख़त्म होती है मतलब जिसके आगे कोई भी रेल हमारी नहीं जाती है वो हमारा क्या जंक्शन टर्मिनल स्टेशन कहलाता है, वहाँ से क्या होगी वो वापस आ जाती है, ठीक है। ये बात हो गई किसकी टर्मिनल स्टेशन की, मतलब कि फंक्शनल बेसिस पे, फंक्शन के बेसिस पे हो गई। अब ऑपरेशनल बेसिस पे बात करते हैं, ऑपरेशनल मतलब कि प्रचालन के बेसिस पे, प्रचालन के बेसिस पे बात करते हैं तो इसमें हमारा क्या था हॉल्ट स्टेशन, आपने नाम सुना होगा हॉल्ट, हॉल्ट हॉल्ट स्टेशन आ गया, फ्लैग स्टेशन आ गया, ये हम क्या हमारे इसके बेसिस पे आते हैं। हॉल्ट स्टेशन और फ्लैग स्टेशन, क्या हॉल्ट स्टेशन और फ्लैग स्टेशन, ये हॉल्ट स्टेशन की बात करते हैं तो हॉल्ट स्टेशन क्या होता है, जब दो समान स्टेशनों के बीच की दूरी अधिक होती है, ठीक है, ये हॉल्ट स्टेशन कब बनाए जाते हैं, क्या हुआ एक स्टेशन यहाँ पे बना हुआ है, एक स्टेशन यहाँ पे बना हुआ है, इसको ए नाम देते हैं, और दूसरा स्टेशन यहाँ पे बना हुआ है, ये दोनों की दूरी मान लेते बहुत दूर है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या बहुत दूर है, तो यात्रियों के अनुरोध पे जो इसके बीच में जो हमारे शहर पड़ते हैं गांव पड़ते हैं उन यात्रियों के अनुरोध पर क्या होता है यहाँ पे एक छोटा स्टेशन बना दिया जाता है जहाँ पे ट्रेनें हमारी कुछ देर के लिए रुकती हैं, बहुत ज़्यादा देर नहीं,
दो तीन मिनट ऐसे ही रुकती हैं ताकि यात्री जल्दी से उतर जाए। तो यहाँ पे जो स्टेशन बनाया जाता है यात्रियों के अनुरोध पर जो स्टेशन बनाया जाता है यहाँ पर, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम हॉल्ट स्टेशन बोल देते हैं। क्या हॉल्ट स्टेशन बोल देते हैं, मतलब कि जब दो स्टेशनों की बीच की दूरी अधिक होती है और यात्रियों के अनुरोध पर उनके बीच में जो स्टेशन बनाया जाता है इसको टेम्पररी स्टेशन बोल सकते हैं, जहाँ पर ट्रेनें कभी रुकती हैं कभी नहीं रुकती हैं, ठीक है, तो वो हमारा क्या हॉल्ट स्टेशन कहलाता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर फ्लैग स्टेशन की, तो फ्लैग स्टेशन क्या होता है, यह स्टेशन जो होता है वो हॉल्ट स्टेशन के प्रकार का मतलब की तरह ही होता है, परंतु ऐसे स्टेशन पर एक अथवा दो कमरों वाला भवन भी बना होता है। यहाँ पे क्या होगा, केवल प्लेटफॉर्म जो हॉल्ट स्टेशन होता है यहाँ पे केवल क्या होता है प्लेटफॉर्म बना दिया जाएगा, लेकिन जो फ्लैग स्टेशन होता है फ्लैग स्टेशन पर यहाँ पे एक दो कमरे भी बना दिए जाएंगे ऐसे, ठीक है, एक दो कमरे भी बना दिए जाते, तो वो हमारा फ्लैग स्टेशन कहलाता है, ठीक है। और इन कमरों में ये कमरे क्यों बनाए जाते हैं, ये कमरे इन कमरों पर क्या होता है कि टिकट घर अथवा आने जाने वाली गाड़ियों के रिकॉर्ड भी के लिए कर्मचारी भी वहाँ पे होते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे हॉल्ट स्टेशन और फ्लैग स्टेशन की बात हो गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं ये तो हमने स्टेशन के बारे में बात किया, अब हम प्लेटफॉर्म के बारे में बात करते हैं। प्लेटफॉर्म क्या होता है और सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कहाँ बना हुआ, दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कहाँ बना हुआ उसकी बात करते हैं, ठीक है। आपको ये चीज़ें इतनी समझ में आएंगी, वे साइड जंक्शन स्टेशन टर्मिनल हॉल्ट स्टेशन फ्लैग स्टेशन, ठीक, इन पाँचों के बारे में आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं प्लेटफॉर्म की, प्लेटफॉर्म क्या होता है, बात करते हैं किसी प्लेटफॉर्म की, प्लेटफॉर्म ये क्या होता है कि जो हमारा स्टेशन होता है स्टेशन पर रेलगाड़ी के जो रेल पटरियां होती, रेल पटरियों से 3 फीट ऊंचा एक बोल सकते हैं कि फर्श बनाया जाता, समतल बनाया जाता है, जिससे क्या होता है कि यात्रियों के चढ़ने तथा उतरने में आसानी हो सके, नहीं तो क्या होगा बहुत ज़्यादा जीत नीचे रहेगा तो चढ़ने उतरने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो जब प्लेटफॉर्म बना दिया जाता है, जैसे कि हमारा क्या प्लेटफॉर्म बना दिया गया और यहाँ पर ट्रेन आई, और अगर ये ट्रेन नीचे ये प्लेटफॉर्म नहीं बना हो तो नीचे उतरना पड़ेगा, मतलब 3-4 सीढ़ियाँ लगी रहती हैं ट्रेन में तो वहाँ से नीचे उतरना पड़ता है, लेकिन अगर प्लेटफॉर्म बना होता तो ऐसे आए लोग यहीं से लगभग बराबर में होता दोनों, ये तीन जो पटरी होती है पटरी से 3 फीट हाइट पे होती है, 3 फीट की हाइट पे होती है, लेकिन जो रेल का डिब्बा होता है उसके लगभग बराबर में होता है, लगभग बराबर में थोड़ा सा नीचे ही होता है, ठीक है। तो वो हमारा इसलिए बना ताकि लोग को आसानी से उतारा जा सके, ठीक है। रेल की पटरी के ठीक बगल में एक रेलवे प्लेटफॉर्म रहता है, वह रेल की पटरी से लगभग 3 फीट ऊंचा होता है, इसकी ऊंचाई इसलिए इतनी है ताकि यात्रियों को रेल के डिब्बे से चढ़ने में सहायता मिल सके, ठीक है। और क्या होता है जो प्लेटफॉर्म होता है वो ऊपर से ढका रहता है टीन सेट द्वारा, या फिर देखते हैं आप कभी कोई ट्रस लगा के ढक दिया जाता है तो ताकि बरसात वरसात हो तो कोई दिक्कत यात्रियों को ना हो, ठीक है। ये किसकी बात होगी, ये होगी बात प्लेटफॉर्म की। अब हम बात करते हैं यार्ड्स की, यार्ड्स की बात करते हैं, यार्ड क्या होते हैं, यार्ड यार नहीं यार्ड्स, ठीक है, यार नहीं यार्ड्स, बात करते हैं यार्ड्स की। तो जो यार्ड्स हमारे होते हैं रेल यार्ड अथवा रेलवे स्टेशन से भिन्न, वह स्थान जहाँ रेलगाड़ी यात्रा पूरी करने के पश्चात, यात्रा पूरी करने के उपरांत रुकती है, विश्राम करती, जैसे ट्रेन चल रही ट्रेन भी तो थक जाती है ना, हम आप हैं चलते हैं ज़्यादा दूर तो थक जाते हैं, थोड़ा सा मेंटेनेंस मतलब कि कुछ खाने की जरूरत हमको चाहिए, तो ऐसे ही ट्रेन्स के लिए भी क्या होती है, रेलगाड़ियों के लिए भी क्या होती है, उनको खाने की जरूरत पड़ती है, मतलब कि उनको भी डीजल चाहिए, तेल चाहिए, मतलब तेल मतलब खाना उनके लिए हो गया, हमारे लिए खाना मतलब क्या दाल भात सब्जी रोटी कुछ भी जो भी हो, ठीक है, किसी को फास्ट फूड किसी को नॉर्मल भोजन, और इसी प्रकार से ट्रेनों क्या होती है उनके लिए क्या रेल उनके लिए तेल की ज़रूरत पड़ती है,
और फिर जैसे क्या हुआ यार्ड्स क्यों बनाए जाते हैं, जैसे क्या हुआ कि कोई मेंटेनेंस आ गया, अब हम चल रहे हैं थक गए हमको रुकने के लिए और थोड़ा सा हमको मेंटेन करने के लिए, खुद को मेंटेन करने के लिए। वैसे ट्रेन में भी कुछ चलती है वो, क्योंकि इलेक्ट्रिक है क्या, वो इलेक्ट्रिक है इसलिए उसमें खराबियां होती हैं, उसमें कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उनको मेंटेनेंस करने के लिए क्या करते हैं, यार्ड्स बनाए जाते हैं। सामानों को लादने उतारने के लिए यार्ड्स बनाए जाते हैं। और यार्ड्स क्यों बनाए जाते हैं, हाँ जैसे क्या हुआ रेल के डिब्बों को काटने छांटने के लिए भी यार्ड्स बनाए जाते हैं। ठीक, मतलब कि यार्ड्स कई प्रकार के होते हैं, तो वो अलग अलग प्रकार के यार्ड्स होते हैं। ये तो टोटल हमने यार्ड्स बता दिए कि यार्ड्स क्या होते हैं, उनमें क्या क्या होता है। अब अलग अलग प्रकार के यार्ड्स की बात करते हैं, तो टाइप्स ऑफ यार्ड्स की बात करते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ यार्ड्स, यार्ड कितने प्रकार के होते हैं इनकी बात अगर करते हैं, तो यार्ड जनरली जो तुम्हारे वो चार प्रकार के होते हैं। मतलब कि अगर आपको मान लेते, अगर आपको नहीं आता, आपको दो ही याद है, तो एग्जाम में लिखने का ट्रिक कैसे होता, देखिए कि अगर आपको नहीं आ रहा, आप लिख दीजिए कि निम्न प्रकार के होते हैं, उसमें आपने सबसे पहले इसका नाम लिख देते हैं। ठीक, कौन कौन से चार प्रकार के होते हैं उनका अगर नाम लिखते हैं, तो लिख सकते हैं पहला पैसेंजर यार्ड, गुड्स यार्ड, मार्शलिंग यार्ड, और क्या हमारा हो जाएगा इसमें पैसेंजर गुड्स मार्शलिंग, नेक्स्ट हमारा लोकोमोटिव। ठीक है, अब आपको मान लेते याद नहीं, चारों नहीं याद है, आपको दो याद है, पैसेंजर यार्ड गुड यार्ड, तो आप एक जगह निम्न प्रकार के होते हैं, एक जगह पैसेंजर यार्ड गुड यार्ड्स, दोनों को लिख के अच्छे से डिस्क्राइब कर दीजिए, इनके बारे में लिख दीजिए, तो वो आपको बढ़िया नंबर मिल जाएगा अगर आप ऐसे लिखते हैं। अगर आपने लिख दिया चार प्रकार के होते हैं और दो उसमें लिखा, तो आपके नंबर कट जाएंगे। आप लिख दीजिए निम्न प्रकार के होते हैं, उसके बाद आप जितना याद आ रहा आपको उतना लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अब बात करते हैं हम पैसेंजर यार्ड्स की, गुड यार्ड्स की, मार्शलिंग यार्ड्स, लोकोमोटिव यार्ड। पैसेंजर यार्ड्स मतलब हमारा क्या, वही स्टेशन, मतलब स्टेशन यार्ड जो होता है वो हमारा स्टेशन के अंदर याद होता है, एक तरह से स्टेशन ही होता है। लेकिन पैसेंजर यार्ड्स क्या के मतलब हमारा प्लेटफॉर्म, वो हमारा क्या पैसेंजर यार्ड्स में आ जाता है। वह रेलवे यार्ड जहाँ पर सवारी गाड़ी लाकर खड़ी की जाती है, तो इन बोगियों की धुलाई, सॉरी पैसेंजर यार्ड्स का जो मतलब होता है, थोड़ी सी मिस्टेक हुई, पैसेंजर यार्ड्स तो जहाँ पे जो पैसेंजर गाड़ी होती है, पैसेंजर ट्रेन जो हमारी होती है, ट्रेन दो होती है, एक पैसेंजर ट्रेन होती है, एक गुड्स ट्रेन होती है, जो पैसेंजर ट्रेन होती है उसके लिए जो यार्ड्स बनाए जाते हैं, उसके मेंटेनेंस के, धुलाई सफाई के लिए, उसमें फ्यूल के लिए जो बनाए जाते हैं, वो हमारा क्या होता है, वो पैसेंजर यार्ड्स कहलाता है। और अगर हम गुड्स यार्ड की बात करते हैं, तो इस स्टेशन पर माल गाड़ियों से सामानों को उतारने तथा चढ़ाने के लिए यार्ड्स जो बनाए जाते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, गुड्स यार्ड्स कहते हैं। और यह यार्ड्स में सामानों की सुरक्षा के लिए यार्ड्स के ऊपर छत भी लगाया जाता है, ताकि अगर बारिश हो, मौसम खराब हो, तो सामान जो होते हैं, क्योंकि गुड्स हैं, सामान है, तो वो भीग जाएंगे तो खराब हो जाएंगे। गाड़ी है, भीग जाएगी कोई दिक्कत नहीं, धूल उठेगी कोई बात नहीं, लेकिन गुड्स के लिए हमको ऊपर छत बनानी पड़ती है ताकि सामान भीगे ना। अब मार्शलिंग यार्ड जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्या मार्शलिंग यार्ड। और अगर पैसेंजर यार्ड्स में एक बात और करें, तो क्या हो जाता है, यह यार्ड जो होता है पैसेंजर यार्ड, जंक्शन व टर्मिनल स्टेशन पर प्रायः बनाए जाते हैं। जो पैसेंजर यार्ड्स होते हैं, ये जंक्शन और टर्मिनल स्टेशन जो होते हैं वहाँ पे बनाना ही बनाना है इनको, ठीक है, प्रायः ये बनाए ही जाते हैं, ऐसा नहीं, तो बहुत रेयर केस में ये होता है कि नहीं बनाया जाता, नहीं तो लगभग सब जगह बनाया ही जाता है पैसेंजर यार्ड्स। और गुड्स यार्ड्स तो आप जानेंगे, लगभग सब जगह ही बनाया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं मार्शलिंग यार्ड की, तो मार्शलिंग यार्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता था आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मार्शलिंग यार्ड आप जरूर याद रखिए। तो मार्शलिंग यार्ड क्या होता है उनकी अगर बात करते हैं, तो जैसे क्या हुआ, एक ट्रेन हमारे दिल्ली से चल के यहाँ आई, दूसरी ट्रेन हमारा बंगलोर से चल के यहाँ आई, तीसरी ट्रेन हमारा मुंबई से चल के यहाँ आ गई, और चौथी ट्रेन हमारी बिहार से चल के यहाँ आ गई, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ हमारी सारी ट्रेनें आ रही हैं सभी दिशाओं से, कुछ सामान यहाँ से, और इनमें कुछ सामान है, मान लेते हैं इसमें सेब है,
अनार इसमें है, केला है, अंगूर है, मान लेते हैं ठीक है, इसमें मान लेते हैं, आप लिख मत दीजिए भाई। अब इन सारी चीज़ों का कुछ सामान इसमें है, ये मान लेते हैं एक बोगी में, ये एक बोगी में, ये एक बोगी में और ये एक बोगी में। अब क्या करना है, इन चारों को हमको ले जाना है एक ही जगह पे, यहाँ पे सर ले गया। तो अब चारों ट्रेन तो यहाँ पे हमारी जाएगी नहीं, चारों ट्रेन तो हम लेके जाएंगे नहीं, क्योंकि हमारा खर्चा ज़्यादा होगा, तेल लगेगी एक एक बोगी के लिए, हम क्यों यहाँ पे लेके जाए। तो मार्शलिंग यार्ड इसलिए ताकि जो अलग अलग दिशाओं से आ रहे ट्रेनें उनको काटने छांटने के लिए, मतलब कि बोगियों को, जैसे इसमें से अब ये बोगी काटेंगे, जैसे मान लेते हैं ये ट्रेन हमारी यहाँ पे जाने वाली है ठीक है, ये ट्रेन और जो अनारा ट्रेन है ये यहाँ पे जाएगी, तो अब इसमें से काटेंगे इस सेब वाली बोगी को, इसमें जोड़ देंगे, इसमें से केला वाली काटेंगे इसमें जोड़ देंगे, इसमें से अंगूर वाले काटेंगे इसमें जोड़ देंगे, अब ये ट्रेन हमारी आसानी से यहाँ जा सकती है ठीक है। तो ये काटने छांटने के लिए जो हमारा यार्ड्स बनाया जाता है वो मार्शलिंग यार्ड कहलाता है ठीक है। ये क्या हुआ, मार्शलिंग यार्ड यही हमारा कहलाता है। और अगर एक एग्जांपल के थ्रू बताएं तो वो भी देख लीजिए ठीक है। एक मिनट आप रुकेंगे ठीक है। मार्शलिंग यार्ड का जो काम होता है, जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो रेलगाड़ियों के डिब्बों को काटना और छांटना वो तो हमने आपको बता ही दिया ठीक है। तथा उनको दिशा और रेल पथ के अनुसार लगाना, जैसे हमको हमने आपको बताया ना कि वहाँ पे जाना था ठीक है, तो वहाँ पे जाने के लिए क्या किया हमने, यहाँ से सभी डिब्बों को एक बोगी में, एक ट्रेन में लगा दिया। अब वो एक ट्रेन क्या हो जाएगी, एक दिशा में वहाँ पे चली जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्या इसमें काम आ जाता है, दिशाओं से आई मालगाड़ियों को मार्शलिंग यार्ड पर खड़ा करना होता है ठीक है। मार्शलिंग यार्ड पर नई गाड़ियों को तैयार किया जाता है, मतलब कि वही हमने सभी को जोड़ के तैयार कर दिया, तो वही हमारा क्या हो जाता है, नई गाड़ियां तैयार हो गई हमारी ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देना होता है कि जैसे क्या करना है, इसी दिशा में साइड सारा सामान हमारा उतारना, मान लेते हैं केला यहाँ उतारना है, सेब यहाँ उतारना है, अंगूर यहाँ उतारना है, अनार यहाँ उतारना है ठीक है। चार प्लेस है, ए बी सी डी, यहाँ यहाँ उतारना, ये सेब उतारना है, सेब अंगूर केला और अनार। तो क्या करेंगे, सबसे पीछे वाली जो बोगी लगाएंगे, सबसे पीछे वाली बोगी, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे ये बोगी हमारी उतारनी पड़ेगी, काटनी पड़ेगी, तो सबसे पीछे वाली जो बोगी लगाएंगे वो सेब की लगाएंगे, फिर उसके पहले लगाएंगे अंगूर की, फिर केला, फिर अनार, ताकि इस तरह से व्यवस्थित करेंगे, ताकि हमको बार बार ये ना कि यहाँ पे हमको सेब उतारना था, यहाँ पे हमने बोगी लगा दी, यहाँ पे फिर यहाँ पे दोनों काट के फिर इसको यहाँ से दोनों काट अलग करेंगे फिर इसको यहाँ पे जोड़ेंगे, ऐसा हमको प्रॉब्लम ज़्यादा होगी, बहुत टाइम लगेगा ठीक है। तो ऐसा नहीं करके हम एक सीक्वेंस वाइज लगाते हैं ठीक है, जिससे हमको काटने छाटने में आसानी हो जहाँ पे हमको उतारना है ठीक है। ये कुछ मार्शलिंग आर्ट्स के काम होते हैं। अब ये जो रेलवे ट्रैक की लंबाई लगभग होती है वो 250 किलोमीटर होती है, किसकी, जो मार्शलिंग यार्ड हमारा होता है। अब एक बात और कर लेते हैं ठीक है, जो मार्शलिंग यार्ड का लेआउट कैसे होता है उसकी बात करते हैं, कि मार्शलिंग यार्ड हमारा कैसे बना होता है उसके लेआउट की बात कर लेते हैं ठीक है। तो जो मार्शलिंग यार्ड का लेआउट होता है उसमें जनरली तीन पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, एक रिसेप्शन स्लाइडिंग होता है, दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा सॉर्टिंग साइडिंग, और तीसरा डिपार्चर। रिसेप्शन मतलब कि ग्राही साइडिंग। अब बात करते हैं, ये हमारी मेन लाइन जा रही थी, ये क्या कर रही थी, हमारी मेन लाइन जा रही थी। अब यहाँ से मेन लाइन जा रही थी, मेन लाइन से यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे पहले हम रिसेप्शन मतलब आप जानते हैं कहीं हॉस्पिटल में गए, कहीं कॉल यूनिवर्सिटी में गए, तो वहाँ पे सबसे पहले आपको रिसेप्शन देखने को मिलता है। रिसेप्शन मतलब आपका स्वागत करेंगे, पूछेंगे आपको क्या प्रॉब्लम है ठीक है, तो वो चीज़ के लिए। तो यहाँ पे हमारा क्या, ये रिसेप्शन बना होता है ठीक, ये हमारा यहाँ पे रिसेप्शन साइडिंग बना होता है। फिर उसके बाद आगे हमारा, यहाँ से अब हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, अब हम आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या होता हमारा, फिर अब यहाँ पे
सॉर्टिंग, सॉर्टिंग मतलब यहाँ पे छंटनी, यहीं पे छांटी जाती है। यहाँ पे क्या होती है, ये हमारा रिसेप्शन, रिसेप्शन साइडिंग, और यहाँ पे हमारा क्या सॉर्टिंग साइडिंग, ठीक है। और ये एक इस तरह से बना होता है, ठीक है, ये एक इस तरह से बना होता है जिसको हम क्या डिपार्चर साइडिंग, सॉरी डिपार्चर साइडिंग ये नहीं था। अब यहाँ पे क्या करें, यहाँ से क्या करते हैं हम यहाँ पे डिपार्चर साइडिंग बना देते हैं, ठीक है। डिपार्चर साइडिंग मतलब क्या होता है, प्रस्थान। अब यहाँ से क्या होगी, ये हमारी ट्रेन है, अब यहाँ से ये ट्रेन इस लाइन से होती हुई ये प्रस्थान कर जाएगी। क्या क्या हमने रिसेप्शन में लिया, रिसेप्शन से हम यहाँ पे लेके क्या सॉर्टिंग, यहाँ पे हमने कटनी छटनी की, उसके बाद क्या किया यहाँ से हमने फिर डिपार्चर में लाके खड़ा कर दिया विश्राम करने के लिए। जब यहाँ पे विश्राम किया, जब इसके जाने का टाइम हुआ तो यहीं से ये क्या गया निकल गया, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, हमारा लेआउट बना होता है किसका, हमारा जो मार्शलिंग यार्ड होता है, मार्शलिंग यार्ड की हमारी मेन लाइन होती है, मेन लाइन यहाँ पे ट्रांसपोर्टिंग, ये हमारा डिपार्चर हो गया, यहाँ पे डिपार्चर, ठीक है। ये हमारी क्ले आउट होगी किसकी, मार्शलिंग यार्ड की। यहीं पे हमारा इसी में फ्यूल प्लेटफॉर्म बना रहता है और टर्न टेबल बना रहता है, ठीक, मतलब कई चीज़ें यहीं पे हमारा, अगर हमको क्या किया यहीं पे हमको करना है फ्यूल इसमें भरना है, तो फ्यूल भरने के लिए क्या करेंगे, इस पे लेके आएंगे, इस ट्रैक पे लेके आएंगे, ये जो हमारा ट्रैक बना हुआ, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम फ्यूल भर लेंगे, ठीक है। ये हमारा ऐसे ही होता है क्या मार्शलिंग यार्ड का। अब अगर रिसेप्शन साइडिंग की बात करें तो इन साइडिंग का प्रयोग आने वाले ट्रेनों को खड़ा करने के लिए किया जाता है। ग्राही साइडिंग जिसको हम रिसेप्शन साइडिंग जानते हैं, आमतौर पर ग्रिड के रूप में बिछाई जाती है, जैसे कि यहाँ पे बिछाया गया, ठीक है, ये होता है। फिर सॉर्टिंग साइडिंग की अगर बात करते हैं तो यह साइडिंग जो उपयोग सेंटिंग ऑपरेशन के लिए किया जाता है, मतलब कि कटनी छटने के लिए किया जाता है, और प्रत्येक साइडिंग के विशेष पदनाम या दिशा के लिए बाध्य वैगनों को आवंटित किया जाता है। और प्रस्थान मतलब कि कार छांट के सब जगह एक जगह मालगाड़ी को खड़ा कर देंगे, उसके बाद वहां से वो चला जाएगा। अब टाइप्स ऑफ मार्शलिंग यार्ड के होते हैं, मार्शलिंग यार्ड जो हमारे तो वो भी कई टाइप्स के होते हैं। मार्शलिंग यार्ड में इसमें तीन प्रकार के हमारे होते हैं, एक फ्लैट मार्शलिंग यार्ड, फ्लैट मार्शलिंग यार्ड, फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है इसी में कौन सा हमारा ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशन मतलब फ्लैट ग्रेविटेशन, और थर्ड जो होता है हमारा हम्प, ठीक। ये तीन प्रकार के हमारे मार्शलिंग यार्ड होता है। अब फ्लैट मार्शलिंग यार्ड की अगर हम बात करते हैं तो जो फ्लैट मार्शलिंग यार्ड होता है, फ्लैट मार्शलिंग यार्ड की जो रेल लाइन है जो समतल बिछाई जाती है, एकदम संपूर्ण यार्ड जो होता है वो लगभग समान तल पर होता है, ठीक है। इसमें कुछ ढलान नहीं रहेगा, क्या होगा कहीं कि जो हमारा ग्रेविटेशनल होता है इसमें कुछ स्लोप, स्लोप बना दिया जाता है, कुछ स्लोप दिया जाता है, वो स्लोप कितना दिया जाता है, स्लोप का कुछ याद नहीं हमको, ठीक है, वो आपके काम का भी चीज़ नहीं है। तो क्या होगा, फ्लैट हमारा क्या ऐसे एकदम फ्लैट रहेगा, ठीक है, लेकिन जो हमारा ग्रेविटेशन होता है ये थोड़ा सा ऐसे स्लोप पे बनाया जाता है, ठीक है, हल्का सा स्लोप देके बनाया जाएगा। स्लोप क्यों दिया जाता है, ठीक है, स्लोप दिया जाता है इसलिए जिससे मालगाड़ियों के जो ढाल के कारण चलते हुए अपनी साइडिंग में आ जाते हैं। यहाँ से क्या किया हमने स्लोप दिया, तो ये क्या हुआ अपने आप आराम से आके यहाँ पे लग गया, तो कोई दिक्कत नहीं हुई, इसको बहुत ज़्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये हमारा क्या ग्रेविटेशनल होता है। हम्प क्या होता है, हम्प समतल भूमि पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा मालगाड़ियों के डिब्बों की छटनी करने के लिए हम्प लाइनें डाली जाती हैं। वही हम्प लाइन मतलब कि क्या हमारा हो गया ये यहाँ पे, इसी को क्या कर रहे हैं हम, इसी को हम्प लाइन बोल रहे हैं, ये जो हमारा, ये हमारा हम्प जहाँ पे इसको काट छांट रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे काट छांट के अलग कर देंगे, उसके बाद ये सॉर्ट करके अलग अलग दिशाओं में जाएगी, ठीक है। तो यही हमारा क्या हम्प मार्शलिंग यार्ड हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ मार्शलिंग यार्ड की बात हो गई। अब बात करते हैं किसकी, लोकोमोटिव यार्ड्स की। लोकोमोटिव यार्ड्स क्या होते हैं, लोकोमोटिव यार्ड्स भी जो इंजन, लोकोमोटिव मतलब क्या होता है इंजन, रेलगाड़ियों के इंजन को ही क्या हम लोकोमोटिव बोल देते हैं। किसको, रेलगाड़ी के इंजन को ही क्या हम लोकोमोटिव बोलते हैं। तो लोकोमोटिव के मेंटेनेंस के लिए, धुलाई के लिए, सफाई के लिए क्या करते हैं हम लोकोमोटिव यार्ड्स को बनाते हैं, ठीक। तो ये हमारे लोकोमोटिव यार्ड्स हो गए।
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा आता है यार्ड्स इक्विपमेंट्स, जो कि काम का कोई है नहीं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, आप सभी के स्टेशन और यार्ड्स, आपको आपके समझ में आ गया, स्टेशन और यार्ड्स का ये जो चैप्टर था आपका ये खत्म होता है। नेक्स्ट आपका जो चैप्टर आता है वो आता है मेंटेनेंस ऑफ रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक का जो मेंटेनेंस करते हैं अनुरक्षण, उसकी बात करते हैं, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक, मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक की अगर बात करते हैं, ट्रैक मतलब कि रेलवे ट्रैक की बात करते हैं, तो मेंटेनेंस मतलब कि उसका अनुरक्षण करना, रेल पथ का मतलब कि देखभाल करना। तो एक पॉइंट आप याद रखिए कि देखभाल करने के लिए अलग अलग जगह पे जो मेंटेनेंस होता है वो दो प्रकार का होता है, एक हमारा होता है कि डेली मेंटेनेंस और एक पीरियोडिकल मेंटेनेंस। जो डेली मेंटेनेंस होता है, डेली मेंटेनेंस में क्या हमारा देखते हैं, जो हमारे स्पाइक्स होते हैं, कीले होती हैं, वो तो नहीं उखड़ गई हैं, और टूटे फूटे जो फिश प्लेट होता है, फिश बोल्ट होता है, चाबियाँ कीज होती हैं, ये तो कहीं ढीले नहीं पड़ गई, ये हमारे मेंटेनेंस डेली मेंटेनेंस में आता है। डेली मेंटेनेंस के लिए हमारे पास क्या गैंग होते हैं। अब गैंग आप मत वो समझ लीजिए कि गैंग बना के चलते हैं, तो वो हमारे गैंग नहीं होते, ठीक है। आतंकवादियों के गैंग हो गए, नेता के गैंग हो गए, ठीक है। आप कॉलेज में आप गैंग बना के चलते होंगे, तो वो गैंग नहीं, गैंग जो देखभाल करते हैं, मेंटेनेंस करने का काम करते हैं रेल में, रेलवे लाइंस का जो ट्रैक होता है उसका मेंटेनेंस का कार्य, देखने का कार्य जो करते हैं, उनको गैंग कहते हैं। गैंग अलग अलग जगह पे अलग अलग गैंग होते हैं, तो वो क्या करते हैं, डेली मेंटेनेंस का कार्य करते हैं, डेली जाते हैं साइट पे, मतलब साइट पे क्या, साइट पे एक तरह से बोल सकते हैं, साइट ना अगर ना बोलना चाहिए आपको, रेलवे लाइंस रेलवे ट्रैक पे जाते हैं, चेक करते हैं कि देखिए आप कहीं जो कीज हैं और जो क्या बोल सकते हैं स्पाइक्स हैं, फिश बोल्ट है, फिश प्लेट है, ये ढीले तो नहीं हो गए, अगर ये ढीले हो गए तो इनको कसना, ख़राब हो गया तो उनको चेंज करना, ये हमारा डेली मेंटेनेंस के अंदर आ जाता है। इसको हम बात डेली मेंटेनेंस और पीरियोडिकल मेंटेनेंस, ठीक है, डेली मेंटेनेंस की बात हो। और पीरियोडिकल मेंटेनेंस क्या मतलब, पीरियोडिकल मेंटेनेंस मतलब हिंदी क्या हो, सामयिक अनुरक्षण। तो टूटे फूटे स्लीपरों को चेंज करना, पॉइंट एंड क्रॉसिंग का चेंज कर देखना कि कोई चीज़ वहाँ पे नहीं खराब हुई है, जैसे स्लीपर जो होते हैं वो डेली तो चेंज होंगे नहीं, डेली तो खराब होंगे नहीं, वो एक टाइम के बाद ही खराब होंगे। जो उसमें स्लोप होता है, एक टाइम स्लोप कितना दिया जाता है, 1:20 का स्लोप कितने स्लीपर में दिया जाता है, ये कुछ इस तरह से स्लीपर हमारे बन नहीं रहा, मतलब कि 1:20 का स्लोप दिया जाता है स्लीपर्स में। तो स्लीपर्स को चेक करते हैं किसमें, ये हमारे इसमें आ गए स्पाइक्स, कीज, फिश बोल्ट, फिश प्लेट, इसका जो देखता है वो गैंग होते हैं, उसको देखते हैं। इसमें क्या हो जाता है, स्लीपर्स, पॉइंट एंड क्रॉसिंग, इन सब की देखभाल के लिए हम क्या पीरियोडिकल मेंटेनेंस देखते हैं, मतलब कि पीरियोडिकल मेंटेनेंस होता है इन सब के लिए, ठीक है। और इसमें तो गैंग होते हैं जो कि डेली चेंज करते हैं, उसके लिए ठेकेदार मतलब कि दिए जाते हैं कि ठेका, आप जानते होंगे ठेका, अगर नहीं जानते तो वो भी आप जान जाएंगे ठेका कैसे दिया जाता है, नेक्स्ट सेमेस्टर में आप सभी को पढ़ाया जाए। अब जनरल मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक क्या होता है, जो सामान्य अनुरक्षण होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी बात अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, सरफेस ऑफ रेल, रेल की सतह चेक करेंगे कहीं वो ख़राब तो नहीं हो गई, जैसे ट्रेन चलती है तो सतह खराब हो जाती है, जहाँ पे जॉइंट होते हैं वहाँ पे सतह खराब हो जाती है, वो हमारा जनरल मेंटेनेंस में आता है, उसको भी चेक करते हैं। फिर हमारा क्या जाता है, अलाइनमेंट कहीं ख़राब नहीं हुआ, गेज तो नहीं ख़राब हो गया, ये
सब एक तरह से हमारे पीरियोडिकल मेंटेनेंस में आते हैं, क्योंकि ये डेली नहीं करा हो सकते, लेकिन ये भी मेंटेनेंस में ही आते हैं। फिर इसी तरह हमारा क्या आ गया, ट्रैक फिटिंग आ गया, पॉइंट एंड क्रॉसिंग आ गया, ब्रिज आ गया, टनल आ गया, ड्रेनेज, ये सब क्या हमारे जनरल मेंटेनेंस होते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में आप दो दो लाइनें अगर लिख देते हैं एग्जाम में तो बहुत बढ़िया नंबर पाएंगे। वैसे इससे क्वेश्चन बहुत कम आता है, कभी कोई आ जाता है कि मेंटेनेंस के बारे में समझाए, तो आपको लिखना पड़ सकते हैं आप। ठीक है, अब बात करते हैं कि ट्रैक के जो मशीनें होती हैं, रेल पथ मशीनें, वो कौन कौन सी होती हैं, उनके बारे में अगर बात करते हैं तो वैसे ज़रूरी नहीं है, कोई कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये रहा क्या मेंटेनेंस आपका। ठीक है, मेंटेनेंस कैसे करते हैं, मेंटेनेंस क्या आवश्यकता हो गई, इसी में क्या करते हैं हम सॉइल का इंस्पेक्शन करते हैं, सॉइल कैसी है। ठीक है, ट्रैक और फिक्सर उसके देखते हैं कि उसका जो हट ट्रैक जो है उसका गेज तो नहीं खराब हुआ है, ट्रैक अपने पोजीशन से हटा तो नहीं, ये सारी चीज़ें क्या करते हैं हम मेंटेनेंस में चेक करते हैं, बैलास्ट चेक करते हैं, टूल्स चेक करते हैं। ठीक, कौन कौन से टूल्स रखते हैं उसको अगर हम देखना चाहें तो मेंटेनेंस में जो टूल्स यूज होते हैं उसको देख लेते हैं एक बार, टूल्स यूज इन ट्रैक मेंटेनेंस। ठीक है, टूल्स यूज्ड इन ट्रैक मेंटेनेंस, कौन कौन से टूल्स होते हैं, कौन कौन से औजार होते हैं, अगर उनकी बात करते हैं तो स्लीपर टंग होता है, रेल टंग होता है, पिक एंड मतलब कि बीटर गैंती होता है। ठीक है, स्लीपर टंग, सॉरी, फिर रेल टंग होता है, फिर क्या हमारा आता है इसी में क्रोबार जिसको सब्बल बोलते हैं, ये सब आप पढ़े होंगे। ठीक है, फिर फोर्थ हमारा क्या जाता है इसी में, अगर फोर्थ की बात करते हैं तो सावेल जिसको आप बेलचा बोलते हैं, बैलास्ट ट्रैक आ जाता है, सावेल बैलास्ट रेक आ जाता है। ठीक है, ये सारे ऐसे हमारे कई होते हैं। ठीक है, जैसे हमारा क्या आ गया, पिक एंड बैटन हो गया, एज हो गया, रेल गेज हो गया, जिम क्रॉ हो गया। ठीक है, पिक एंड बैटन, जिम क्रॉ और इसी में क्या और आ सकता है, रेल गेज आ जाएगा। ये क्या होता है कि जब मेंटेनेंस हम करते हैं ना तो इन सब की जरूरत पड़ती है। कभी क्या होता है जैसे एक बार तो जैसे हमने स्लीपर में की लगा दिया, की को फिक्स हमने कर दिया, परमानेंट नहीं फिक्स होता लेकिन वो फिक्स होता है एक तरह से, उसको फिर निकालने के लिए हमको ट्रैक हटाने की जरूरत पड़े, लेकिन हमको ट्रैक ना हटाना पड़े इसलिए क्या करते हैं उसको हम वहाँ से निकालने के लिए क्या करते हैं, हम स्लीपर टंग का प्रयोग करते हैं या फिर हम रेल टंग का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, वो एक तरह से जैसे आप देखेंगे सरौता, आप देखेंगे सरौता, सरौते की तरह ही ये होता है। ठीक है, बाकी पिक एंड जो बटन होता है ये हमारा आप देखेंगे कि जो बलास्ट होते हैं खोदने के लिए, मतलब कि जैसे हल आपने देखा हल की तरह ये होता है, पिक एंड जो बटन होता है ये हल की तरह होता है, रेक जो होता है मतलब कि गिट्टी उट्टी उतारने के लिए आपने देखा होगा, अगर आपने गिट्टी उतारने के लिए ऐसे कंघी की तरह उसमें बना रहेगा ऐसे उसे खींचते, मतलब कि ये ऐसे बना होता है। ठीक है, ये क्या हमारा होता है, इसी क्या हम रेक बोल देते हैं। जिम क्रो क्या होता है, सारी चीज़ें आपको एक वीडियो के माध्यम से बता दी जाएंगे 3D ताकि आपको पता चल जाए। ठीक, तो ये क्या हुआ मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक के बारे में हो गया, तो बस यहीं पे आपका रेलवे पार्ट जो होता है वो ख़त्म होता। अब जो आपका नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा वो आएगा ब्रिज पार्ट से। ठीक है, आपका तीन है रेलवे, ब्रिज एंड टनल, रेलवे पार्ट आपका ख़त्म होता है। ठीक है, इसको हम इस करते हैं क्रॉस, अब पढ़ेंगे हम ब्रिज के बारे में, फिर पढ़ेंगे टनल के बारे में, इसमें चार चार पाँच पाँच चैप्टर
आराम से जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, ये जो आपका जो रेल का पार्ट था ये बहुत बड़ा था, इसमें लगभग 13-14 चैप्टर्स थे, तो हमने लगभग 13-14 चैप्टर को आपका लगभग 8-10 चैप्टर में कंप्लीट कर दिया। आई होप कि आपको चीज़ें पसंद आती होंगी, वीडियो अच्छी लगती हैं, समझ में आती हैं। अगर समझ में नहीं आती तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, नीचे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा 7080230015, इस पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व कर दी जाएगी, ठीक है। और अगर आपको इस पर शॉर्ट्स चाहिए तो आप वो भी बता दीजिए, शॉर्ट्स हम भी तैयार करेंगे, और आप सभी के लिए जितना हो सकेगी हम अपनी तरफ से पूरा मेहनत करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। मैं सौरभ जायसवाल आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल डिप्लोमा लेक्चर में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए पार्ट्स के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, थैंक यू।